नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपकी जो 14 प्रश्नावली चल रही थी उसके बारे में, तो 14.1 के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपन पिछले जो दो पार्ट कर चुके थे, आज हम इसका 14.1 का तीसरा और लास्ट पार्ट करेंगे, जिसके अंदर इसके बचे हुए सवाल वो करेंगे। तो इन सवालों को आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें जो चित्र है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बाद में चित्र जाके इतना हार्ड बन जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे जैसे एक एक स्टेप बताया जा रहा है, वैसे वैसे आप ध्यान से साथ साथ में इस सवाल को आप कॉपी लेके करते रहें, ताकि आपको एग्जाम में आए तो सवाल करने में दिक्कत ना आए। इसके बाद देखते हैं 10वां सवाल। आपको ये ध्यान से देखना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। इसको ध्यान से नहीं देखोगे तो ये काफ़ी चित्र ऐसे बन जाएगा कि आपको बाद में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो लगातार देखते रहें चित्र को लगातार, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको दो वर्त जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, दो वर्त बनाने हैं जिनको 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। दोनों वर्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, और दो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा आपको बनाकर बतानी है। अनुस्पर्श रेखा कौन सी होती है, ठीक है, देखो अनुस्पर्श रेखा मैं यहां पर आपको बता देता हूं। अनुस्पर्श रेखा इस तरह से खींचते हैं, मान लो ये पहला वर्त है और ये दूसरा वर्त है, तो इसको आपस में ऐसे ऐसे टच करते हुए जाए, ये अनुस्पर्श रेखा इसकी, ठीक है। तो आपको दो ऐसी अनुस्पर्श रेखा बनानी है, ठीक है, ऐसे टच करते हुए जाएं, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक लाइन खींच लेंगे। कितने सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। चित्र को ध्यान से देखते जाएं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको लगातार, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक 8 सेंटीमीटर मैंने एक लाइन खींच ली, ठीक है, ये यहां से लेके और वहां तक। आपको क्या करना है, इस लाइन पर दो वर्त बनाने हैं, एक 3 सेंटीमीटर का और एक 4 सेंटीमीटर का। तो पहले 3 सेंटीमीटर वाला बनाएंगे, तो प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोल लेंगे, प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोल लेंगे, ये प्रकार को खोल लिया 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर खोल के एक तरफ पहले बिंदु पर अपन 3 सेंटीमीटर का वर्त बना देंगे। प्रकार हिले नहीं, ध्यान रखें, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बन गया, इसको अपन कह देते हैं C1। दूसरा देखो, आपको 4 सेंटीमीटर का और बनाना है, तो प्रकार को अब 4 सेंटीमीटर खोल लेंगे। अभी तक 3 सेंटीमीटर था, अब कितना है, 4 सेंटीमीटर का एक और वर्त बनाना है इसी के अंदर। वो कहां पे बनाएंगे, दूसरे वाले बिंदु पर, यहां पे अपन 4 सेंटीमीटर का वर्त बना देंगे। तो प्रकार को बिना हिलाए हुए यहां से 4 सेंटीमीटर खोल के, और आप यहां पे एक वर्त बना देंगे 4 सेंटीमीटर का, ये दूसरा बना दिया 4 सेंटीमीटर का, ये C2 है, ठीक है, अपन इसको कह देते हैं C2। अब आपको यहां पर सवाल के साथ कुछ हल भी करते जाना है, ठीक है। अपन यहां से करते हैं, जो बड़ी त्रिज्या है कौन सी है, ये इसकी, यानी C2 की बड़ा है किससे, C1 से, यानी वर्त बड़ा है, तो यानी इसका ऊपर से R2 बड़ा होगा R1 से, तो R2 में से R1 को घटा लेंगे, तो अपने देख तो कितना आता है, R2 कितना है 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 1। आपको बड़े वाले वर्त के अंदर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वर्त बनाना है, किसके अंदर, बड़ा वर्त है जो जिसके अंदर 1 सेंटीमीटर का मात्र वर्त बनाएंगे। तो प्रकार को देखो ध्यान से खोलेंगे, मात्र ही 1 सेंटीमीटर आपको प्रकार को खोलना है। देखो यहां पर मैं 1 सेंटीमीटर मैंने प्रकार खोल लिया, प्रकार को 1 सेंटीमीटर खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहां से वर्त बनाता हूं 1 सेंटीमीटर का, ये इसके अंदर मैंने 1 सेंटीमीटर का वर्त बना दिया, जितना वर्त आपका बड़ा था उतना 1 सेंटीमीटर का अंदर बन गया है। अब आपको क्या करना है, ये जो रेखा है अंदर वाली, इसको समद्विभाजक करना है, ये जो 8 सेंटीमीटर खींची है इसका समद्विभाजक, यानी इसको आधे से ज्यादा प्रकार खोल लेंगे आप, इस वर्त की आधे से ज्यादा प्रकार खोल लेंगे, ठीक है, और ऊपर भी एक चाप काट देंगे ऐसे, और एक नीचे भी ऐसे चाप काट देंगे, और दूसरे वाले बिंदु से भी चाप काटेंगे, यहां से इस सी पर भी रख के एक चाप यहां से और एक चाप यहां से,
और इसको आपको क्या किया है, C1 C2 को समद्विभाजित किया है, C1 C2 को समद्विभाजित किया है। देखो सबसे पहले क्या किया था, 3 सेंटीमीटर का और लाइन के इधर 4 सेंटीमीटर का, फिर R2 माइनस जो बड़ी त्रिज्या होती है उसमें से छोटी त्रिज्या घटानी है, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या ही घटानी है हमेशा, ऐसा नहीं R2 में से R1, जो बड़ी है उसमें से छोटी घटा दो, पीछे बचेगा उस त्रिज्या का आपको वृत्त बनाना है बड़े वृत्त के अंदर, ये बना दिया। फिर उसके बाद इस भुजा का, इस भुजा का C1 C2 का क्या किया, समद्विभाजक, और इसको समद्विभाजक को अपन मिला देते हैं इस तरह से, ध्यान से देखिएगा इसको समद्विभाजक को मिलाते हुए, ये देखो बिल्कुल इसके अंदर से जाना चाहिए, ये देखो एकदम इसके वर्थ के टच होके जा रहा है, ठीक है। तो इसको अपने क्या कह दिया, बिंदु M कह दिया, क्या कह दिया, पॉइंट M। अब आपको क्या करना है, M को केंद्र मानकर एक और वर्थ बनाना है। देखो चित्र कॉम्प्लेक्स होता जाता है, लगातार आप समझते रहे, एम को C1 के बराबर या आप C2 के बराबर खोल ले, C1 और C2 के बराबर खोल लें, ठीक है, और उसके बाद एक वर्थ बना दें। देखो मैंने यहाँ से जाते हुए एक वर्थ बना रहा हूँ, ध्यान से आप बनाइएगा ताकि आपको चित्र गलत नहीं हो, वर्थ एकदम ध्यान से बने, ये मैंने वर्थ बना दिया, ठीक है। ये छोटे वाले वर्थ को कहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो जाते हुए यहाँ छोटे वाले वर्थ की स्पर्श रेखा खींच देंगे, दूसरे वाले वर्थ से ये C1 से खींचेंगे, ध्यान रखना छोटे वाले को जहां टच कर रहा है, ध्यान से खींच रहा है छोटे वाले वर्थ को, ये टच कर रहा है जो अपने बनाया था अंदर, उसके ऊपर देखो कहाँ टच कर रहा है, उसको वहां से अपन बना देंगे इसको, एक ये और एक इस साइड और बना देंगे, क्योंकि दो आपको अनुस्पर्श रेखा खींचनी है तो दोनों तरफ बना देते हैं, अगर एक खींचनी होती है तो एक तरफ ही बनाना है, दूसरी तरफ नहीं बनाना है, ये इन्होंने इसको मिला दिया। अब क्या करना है आपको, देखो आपको ये वर्थ खींचा था, ये दूसरा वर्थ इसके समद्विभाजक करके खींचा, फिर जहां पर ये वर्थ काट रहा था एक यहां पर और एक यहां पर, इसको कह देते हैं बिंदु P पर और Q पर, तो P और Q को यहां से C1 से मिला दिया, ये अपना बिंदु था C1 से इसको मिला दिया। अब क्या करना है आपको, यहां से लाइन खींचनी है C2 से, जो P से जाते हुए C2 से लाइन इस तरह खींचनी है यहां से कि जो P से भी जाए और यहां से भी जाए, तो ये मैंने एक लाइन खींच दी एक इधर की साइड और एक दूसरी साइड और खींच दें यहां से Q से जाते हुए भी, ये है। अब लगभग अपना चित्र तैयार हो चुका है, इसको कह देते हैं R और इसको कह देते हैं S। अब आपको प्रकार से थोड़ा सा काम कर रह गया है, आपको प्रकार को खोलना है क्यू और C1 के बराबर, नाप के खोल लेंगे क्यू को C1 के बराबर, क्यू को C1 के बराबर खोलेंगे, प्रकार को क्यू के C1 बराबर खोल लेना है, देखो ठीक है, प्रकार को माप के C1 के बराबर खोल लेना है ये, और उसको प्रकार को यहां रखना है देखो इस वाले बिंदु पे जो S बनाया था, और इसके ऊपर चाप काट देंगे ऐसे, ठीक है, और इधर से R से भी रख के और एक चाप यहां पे काट देंगे इस वर्थ को। अब ये जो आपके है बिंदु मान लेते हैं टी और यू, अब ये इसको इसको आपस में मिला दो, यहां से जाते हुए लाइन खींच, तो ये इसकी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होगी, ठीक है, इन दोनों को जाते हुए यहां से लाइन खींच देंगे तो ये इसकी स्पर्श रेखा होगी, देखो यहां से खींचेंगे तो ये होगी इसकी स्पर्श रेखा R से और इससे जाते हुए, ये एक इधर स्पर्श रेखा होगी और दूसरी एक और ऊपर खींच देते हैं, ये एक और स्पर्श रेखा हो चुकी है यहां पे, इसको ध्यान से खींचेंगे, तो ये दूसरी स्पर्श रेखा होगी, इसको कहते हैं अनुस्पर्श रेखा। देखो चित्र को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, अब देखो चित्र कितना उलझा हुआ बन गया, तो आपको लगातार साथ में बनाते रहना है ताकि आपको समझ में आ जाए, दोबारा से इसको देखते हैं ताकि आपको चित्र एक बार आसानी से समझ में आ जाए। तो आपने सबसे पहले क्या किया था, एक लाइन खींची 8 सेंटीमीटर की, कितनी 8 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन खींची थी ये, उसके एक तरफ 3 सेंटीमीटर का कोण बनाया, वर्त बनाया, दूसरी तरफ 4 सेंटीमीटर का वर्त बना दिया, फिर जो त्रिज्या बड़ी होती है उसमें से छोटी वाली त्रिज्या घटा के और बड़े वर्त के अंदर एक और वर्त बना देते हैं, ठीक है। फिर क्या किया, ये जो C1 C2 था बीच वाली जो 8 सेंटीमीटर लाइन खींची थी उसको समद्विभाजित करना है, लंब समद्विभाजित यानी बराबर दो भागों में बांटना है, उसके बाद में जो पॉइंट प्राप्त होगा बीच में उस पॉइंट को कह देंगे M, फिर M को केंद्र मानकर M C1 के बराबर प्रकार को खोल के यहां प्रकार घुमाना है, ये वर्त बनाना है, ठीक है। ये वर्त बनने के बाद में आपको क्या करना है, ये छोटे वाले वर्त को कहां टच कर रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर, तो दूसरे वाले वर्त से
इस वाले वर्थ से इस छोटे वाले वर्थ को दोनों को मिला देना है, तो P और Q हो गया। अब यहां से देखो जाते हुए लाइन खींचना है, जो C2 से और P से जाए इसको आगे वाले वर्थ तक बढ़ा देना है, और ऐसे ही C2 से Q से जाते हुए आगे वाले वर्थ तक। अब आपको क्या करना है, प्रकार को C1 और Q के बराबर खोल लेना है, C1 Q के बराबर या C1 P के बराबर, दोनों में से किसी एक के बराबर खोल लें, और यहां से जो S है इसको बराबर यहां चाप काट दें और इसको ऐसे, और फिर दोनों को काट दें, तो ये आपका चित्र तैयार हो गया। अब इसकी बात इसकी देखते हैं रचना। तो जैसे जैसे अपने सवाल को किया था उसी तरह से उसी स्टेप से अपन रचना करते जाएंगे, जैसे जैसे अपने सवाल किया था, तो देखते जाते हैं जैसे सवाल बनाया था देखो वैसे ही रचना लिखी हुई है। सर्वप्रथम एक रेखाखंड 8 सेंटीमीटर खींचा, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची जिसके दो सिरों पर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के वर्थ बनाए, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्थ बनाए, त्रिज्या के वर्थ बनाए, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वर्थ बनाए। देखो इधर आपने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्थ बनाया था और इधर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्थ बनाया, इधर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्थ बनाया, ठीक है। फिर R2 माइनस R1, हमेशा आपको क्या करना होता है, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा के और बड़े वर्थ के अंदर उतनी त्रिज्या का एक वर्थ बनाना होता है। देखो 4 सेंटीमीटर ये था, 3 ये था, तो 4 में से 3 घटाया तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्थ बड़े वर्थ के अंदर बना दिया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है त्रिज्या का वर्थ बड़े वर्थ के अंदर C2 पर बनाया, C1 में C2 को समद्विभाजित किया, फिर क्या किया, C1 और C2 को आधे से ज्यादा प्रकार खोल के समद्विभाजित किया और इससे बिंदु M प्राप्त हुआ। M को केंद्र मानकर C1M या C2M, यानी M को केंद्र मानकर फिर ये एक वर्थ बनाया, ठीक है, जो छोटे वर्थ को P और Q पर काटता है। देखो छोटे वर्थ को P और Q पर काटता है, ठीक है, C1 को P तथा Q से मिलाया, फिर C1 को P और Q दोनों से मिलाया। इसके बाद में देखो C2P से जाते हुए R तथा C2Q से जाते हुए S तक रेखा खींची, यानी C2 से P से जाते हुए R तक और Q से जाते हुए S तक दो रेखाएं, एक इधर और एक इधर, इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले की दो समझ लो त्रिज्याएं खींच दी, ठीक है। उसके बाद क्या किया, C1Q के बराबर ST, ये जितना C1Q है ये लाइन उतनी की उतनी यहाँ पर क्या किया इधर, और या कह दे इसके बराबर इधर, चाहे एक ही नाप लो दोनों नाप एक के बराबर ही है, क्योंकि ये इधर और इधर दोनों बराबर है, तो यानी इसमें से कोई एक नाप के और उधर इतना चाप काटना, इधर भी इतना, यहाँ से R से काटना है और यहाँ से S से इधर चाप काटना है, फिर यहाँ से जहाँ पर चाप कटा उस बिंदु से और इस बिंदु से जाते हुए स्पर्श रेखा खींच देंगे, तो ये अपनी अनुस्पर्श रेखा होगी, जो अभिष्ट स्पर्श रेखा यानी जो कही गई थी वो स्पर्श रेखा। तो ये हो गया अपना 10वां सवाल, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं इसका लास्ट सवाल, तो देखते हैं इस सवाल को क्या दिया है, दो वर्तों जिनकी त्रिज्याएं 1.7 और 2.8 सेमी की है, एक उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा तिर्यक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए जबकि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ऐसे आपको क्या करना है, दो वर्त बनाने हैं। तो सबसे पहले अपन उसी तरह से सवाल करेंगे, एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं, यहां पे यहां से शुरू करते हुए ये 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, आपको दो वर्त बनाने हैं, कौन कौन सी त्रिज्या के, एक बनाना है 1.7 का और दूसरा बनाना है 2.8 का। तो पहले प्रकार को खोल लेते हैं 1.7 सेंटीमीटर, तो प्रकार को खोल ले 1.7 सेंटीमीटर, ध्यान से रखें प्रकार 1.7 है, तो यानी छोटी वाली 7 लाइनों के बराबर, 0 से स्टार्ट करते हुए 1 के बाद में छोटी वाली 7 लाइन है, ये है 1.7 खोला है मैंने, पहले वाले की तरफ 1.7 बनाना है, पहले 1.7 लिखा हुआ है तो पहले 1.7 का बना देते हैं, ये पहला वर्त 1.7 का है और दूसरा है 2.8 का। तो अब प्रकार को 2.8 खोल लेंगे, प्रकार को 2.8, ये 2.8 खोल लिया और दूसरी तरफ 2.8 का भी एक वर्त बना देंगे, ये अपने दोनों वर्त बनके तैयार हो गए, ठीक है। अब आपको सवाल क्या करना है, पीछे वाले सवाल से थोड़ा सा मिलता जुलता ही सवाल है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं, इसमें तिर्यक इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच रही है, तो आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि यहां आपको क्या करना है कि ये जो लाइन है अपन क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या कितनी है उसकी और दोनों की त्रिज्या, जब तिर्यक रेखा खींचनी हो, कौन सी, जब तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा खींचनी हो, तिर्यक के अंदर ध्यान रखना है अपने को क्या करना है, R1 प्लस R2 करना है,
यानी आर वन प्लस आर टू कितना है 1.7 प्लस 2.8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5 सेमी। आपको 4.5 सेमी का वर्थ बढ़ाना है कौन से पर, छोटे वाले वर्थ के ऊपर, छोटे वाले वर्थ के ऊपर एक और वर्थ बढ़ाना है जो कितने का हो 4.5 सेंटीमीटर का हो। तो अब आपको ध्यान रखना है 4.5 का भी एक और वर्थ बढ़ाना है। सवाल को देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, ठीक है, उसके ऊपर एक तरफ 1.7 सेंटीमीटर का वर्थ बनाया है, एक तरफ तो 1.7 का बनाया है और दूसरी तरफ 2.8 का वर्थ बनाया है। अब अपन क्या करेंगे, एक और वर्थ बनाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5। तो प्रकार को 4.5 खोल के एक और वर्थ बनाना है, 4.5 खोल लेंगे प्रकार को, ये प्रकार को खोल लिया 4.5 और एक और वर्थ बना देंगे, इसके बाद देखो क्या करना है आपको, सवाल को बहुत ध्यान से समझते जाना है लगातार। देखो दो वर्थ तीन वर्थ बना दिया, अभी और वर्थ बनेंगे इसके अंदर, एक और करेंगे, इस भुजा का जो अपने लाइन खींची थी इसका समद्विभाजक प्राप्त करेंगे। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, आधे से ज्यादा प्रकार खोल लो, ठीक है, ये आधे से ज्यादा खोल लिया, ठीक है, एक चाप यहां काट दिया, एक चाप नीचे की ओर यहां, ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहां से एक चाप इधर भी काटेंगे और एक चाप यहां पे। अब इन चाप से जाते हुए अपन क्या करेंगे, इसका समद्विभाजक प्राप्त करेंगे। तो समद्विभाजक कैसे प्राप्त करते हैं, इसको डैश डैश मिला देंगे तो अपना समद्विभाजक प्राप्त हो जाएगा, दोनों तरफ चाप जहां पे कटे उनको डैश डैश आपको मिलाना है। ये डैश डैश मिलाते हैं तो अपने को क्या होता है, बीच में बिंदु प्राप्त होता है M, और M को अपने को क्या करना है, केंद्र मानकर एक और त्रिज्या इसको कह देंगे C1 और ये अपना C2। तो M C1 के बराबर एक बार और वर्त बनाना है अपने को। तो देखो सवाल काफी आपको, देखो वर्त ही वर्त बनाते जा रहे हैं, तो काफी हो सकता है सवाल आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा उलझ गया सवाल, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। देखो मैं एक और वर्थ बना रहा हूं अब इसके बाद में, ये वर्थ। अब देखो ये जो वर्थ है वो बड़े वाले वर्थ को कहां कहां टच कर रहा है, एक तो यहां पे टच कर रहा है और एक यहां पे टच कर रहा है। देखो इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से स्पर्शरेखा खींचनी है C1 से, अपन क्या करते हैं यहां से डैश 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 मिला देते हैं, यहां से चाहे आप सीधी खींच दो, यहां से सीधी मिला देते हैं अपन, ठीक है, ये अपनी रेखा हो गई कोई भी कह दो, चाहे बिंदु यहां पर P कह दो। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, ये जो लाइन यहां से P से बिंदु कटा है इसको C1 से यहां से मिला देना है यहां पे, ठीक है, यहां से इसको मिला देते हैं अपन C1 से, ये अपने चाप वर्थ को यहां पे काट रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये अपने वर्थ को यहां पे काट रहा है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस दूरी को नाप लेंगे यहां से जितनी दूरी है, प्रकार को खोल के और ये दूरी नाप लो यहां से, ये इतनी दूरी है। तो आपको क्या करना है, यहां से ये जो चाप कटा था यहां से लेके और इस वाले दूसरे वाले जो पहले वाला वर्थ है अंदर, इसको यहां से ऐसे चाप काटेंगे, ठीक है, और इस बिंदु से, इस बिंदु को कह देते हैं X और इसको क्या कह देते हैं Y, या X और Y से जाते हुए आपको लाइन खींचनी है, X और Y से जाए यहां से, देखो Y से ये रहा X से ये रहा, यहां से जाते हुए लाइन खींचनी है आपको ये, तो ये क्या होगी, उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा होगी। तिर्यक रेखा कौन सी होती है आपको पता है, जब ये दो वर्थ होते हैं एक ऐसे और एक ऐसे, तो इसको ऐसे लाइन जाए वो क्या होती है, तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा, तो ये तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा होगी। अब देखो काफी उलझा हुआ चित्र बन गया है, ठीक है, तो आपको इसको लगातार वैसे ही करना था जैसे अपन बार बार बना रहे थे। तो सबसे पहले इसको दोबारा से समझ लेते हैं, फिर इसकी रचना लिखते हैं। सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी, एक तरफ 1.7 सेंटीमीटर का और दूसरी तरफ 2.8 सेंटीमीटर का वर्थ बनाया था। उसके बाद में क्या किया था, उसके बाद में किया था दोनों त्रिज्याओं को जोड़ के और एक वर्थ बनाया था छोटे वर्थ के ऊपर, छोटे वर्थ के ऊपर ये बनाया था 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्थ। फिर क्या किया था, इस 6 सेंटीमीटर वाली C1 और C2 को समद्विभाजित किया था। समद्विभाजित करने के बाद एक और वर्थ बनाया था,
ठीक है, ये समद्विभाजित का वर्त बनाया था, ये वर्त इस बड़े वाले वर्त को यहाँ टच कर रहा था, तो यहाँ से जाते हुए स्पर्श रेखा खींच दी दूसरे वाले वर्त से, जिसके ऊपर नहीं बनाया था उसके यहाँ से जाते हुए लाइन खींच दी थी, ठीक है। फिर क्या किया था, इस लाइन को C1 से मिलाया था यहाँ से, ठीक है, C1 से मिलाया। फिर क्या करना है, ये जो इस छोटे वाले वर्त को जहां पे काट रहा है प्रकार को C2P के बराबर खोल के उतना उतना चाप यहां से काटेंगे, फिर लाइन खींच देंगे, तो ये अपना अभिष्ट चित्र बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसकी रचना। तो देखो सवाल थोड़ा बड़ा है तो रचना भी थोड़ी क्या होगी, बड़ी, लेकिन आप देखेंगे तो चित्र के हिसाब से। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया था, 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची, तो यही लाइन लिखी है, सर्वप्रथम एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का खींचा। उसके बाद क्या किया, जिसके सिरों पर C1 और C2 पर 1.7 और 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त बनाए, दो वर्त बनाए थे 1.7। उसके बाद क्या किया, R1 + R2 दोनों जोड़कर यानी 4.5 सेंटीमीटर वर्त बनाया, जो कौन से छोटे वर्त पर, या कह सकते हैं C1 के अंदर वाले वर्त पर एक 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। फिर क्या किया, C1 C2 को समद्विभाजित किया, C1 और C2 को क्या किया था, समद्विभाजित किया, जिससे बिंदु M प्राप्त हुआ, ये रहा बिंदु M, ठीक है। फिर क्या किया था, M को केंद्र मानकर वर्त बनाया था, तो M को केंद्र मानकर C1 M त्रिज्या का वर्त बनाया, तो C1 M त्रिज्या का वर्त बनाया। यह वर्त 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो यह जो 4.5 वाला है इसको बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। फिर क्या किया, C2 को P से मिलाया, इस C2 को P से मिलाया, C1 को P से मिलाया और C1 को भी P से मिलाया। फिर यह छोटे वर्त को X पर काटता है, जब C1 P को मिलाया तो यह छोटे वर्त को कहां पर काटता है, X पर काटता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, C2P के बराबर XY लाइन खींची, C2P के बराबर XY खींची, जो क्या है, अभिष्ट स्पर्श तिर्यक स्पर्श या तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो ये था इसका 11वां सवाल, काफी थोड़ा सा उलझा हुआ बड़ा सवाल है, लेकिन आप इसको इस तरह से करोगे तो आसानी से कर सकते हो। तो ये थी आपकी 14.1 प्रश्नावली, आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।